भाई गुलमर्ग में अलग लेवल का स्कैम चल रहा है। Everybody, good morning. Hope you all are doing great. You are watching Travel on Wheels with Abhishek and Jyoti. तो यार आज है day 2 at Srinagar. तो today we are heading towards Gulmarg. तो Gulmarg है somewhere around 60 kilometers from here. तो it would take somewhere around 1 to 1 and half hours. And अभी आपको दिखाता हूँ Srinagar की वादियाँ और यहाँ का view. Start कर लिया, अभी हल्का फुल्का cold start ले रहा है. Weather है 3 degree. वो गाड़ी अपनी पहली बार कोल्ड स्टार्ट ले रही है। यहाँ आप देख सकते हो 3 डिग्री के बाजू में स्नो का सिंबल दिखाया है। तो यस गाड़ी ने कोल्ड स्टार्ट ले लिया है एंड कुछ ऐसा है अपना सामने का वेदर। अब थोड़ा सा ग्लास क्लीन करते हैं एंड मोर ओवर आपको वादियाँ दिखाते हैं। यह है अपना होटल के सामने वाला व्यू, कुछ ऐसा है। आज ड्राइव करने वाली है ज्योति। यह है अपना होटल और ये है रिसेप्शन, ये है एंट्रेंस। बहुत सही होटल है यार, द व्यू इज सो अमेजिंग फ्रॉम हियर। मैं आपको अभी यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो होटल के सामने का व्यू कुछ ऐसा है, दिस इज सो अमेजिंग यार। धूप हल्का फुल्का यहाँ से आ गई है एंड दिस इज पियर्स का पेड़। ये पियर्स का पेड़ है एंड वो सामने है एप्पल के पेड़। यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग है एंड वहाँ आप सामने देख सकते हो डल झील। बहुत फॉगी है, अभी दिख नहीं रहा है। हम वहाँ से अभी होते हुए जाएंगे तो आई शो यू अगेन। अगर आप लास्ट व्लॉग देखेंगे तो वी हैड बीन टू डल झील, वो आपको देखना है तो आप देख सकते हो। दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल होटल। कुछ अलग ही वेदर है यार यहाँ, मतलब इतना सुकून है, इतना शांति है। दिस इज़ सच एन अमेजिंग प्लेस। तो दिस इज़ वॉलनट एंड एंड दैट इज एप्पल। ओके, मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है सब कुछ। ओके, आई थॉट एवरीथिंग इज एप्पल। तो हियर्स डैड एंड हियर्स मॉम। गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है श्रीनगर का मॉर्निंग? टाइम इज 9:10 एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गुलमर्ग। तो चलो चलते हैं। अब गाड़ी रेडी, हल्का फुल्का तो वार्म हो ही गया होगा, निकलते हैं अब। ये उसको और थोड़ा छोड़ें। ज्योति इज गोइंग टू ड्राइव टुडे। स्नो ड्राइव करेगी, स्नो चेन्स लगाएंगे। आज आपकी बीवी ड्राइव करेगी। यस, और ये है कुछ व्यू होटल का। As said, we are heading towards Gulmarg and हम अभी पहुंच गए towards the डल झील। वो आपको दिखाता हूँ मैं। नज़ारा कुछ ऐसा है डल लेक का और ये रोड्स भी एकदम खाली हैं। इट्स लुकिंग रियली गुड। सुबह सुबह इट्स अराउंड 9:37 एंड इट्स 3 डिग्रीज। तो अभी हम गुलमर्ग जा रहे हैं जहाँ की माइनस में टेम्परेचर होने वाला है और आज हम लोग स्नो में भी ड्राइव करने वाले हैं। तो आज हमारा स्नो चेन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होने वाला है। बट यस एज पर द लोकल्स आई हैव डिस्कस्ड कि होने तो वाला है, अब जाके पता चलेगा यार। बिकॉज आज थोड़ा सा सनी है तो नॉट प्रिटी श्योर ज़रूरत पड़ेगा या नहीं। एनीथिंग इज़ फाइन, हमने तो ले लिए। अब यहाँ पड़े कि पहलगाम में पड़े या सोनमर्ग में पड़े, इट्स कम्प्लीटली फाइन। गुलमर्ग जाने से पहले आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना कि आपके पास पानी, खाने का चीज़, ये सब एडिक्वेट होना चाहिए सो दैट आपको फिर वहाँ जाने के बाद इश्यूज नहीं होना है। बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज है सब कुछ चीज़। तो इफ़ इट्स पॉसिबल तो थोड़ा सा बैकअप कर लो, इट्स गुड फॉर यू। एंड मोर ओवर इफ़ पॉसिबल आप लोग अगर अपने प्लेस से स्नो बूट्स लेके आए तो इट्स वेल एंड गुड।
और एल्स आप श्रीनगर से भी स्नो बूट्स ले सकते हो, बिकॉज वहाँ जाने के बाद हर स्नो प्लेसेस में आपको 100-100 देना ही पड़ेगा, तो इट्स बेटर 400-500 में आपको स्नो बूट्स मिल जाते हैं नॉर्मल वाले, तो आप वहाँ से स्नो बूट्स ले लो, दैट वुड बी चीप फॉर यू। वहाँ अभी पापा गए हैं कुछ कुरकुरे लाने या ऐसे कुछ स्नैक्स, आप भी वैसे फिल कर सकते हो अपना स्टफ्स। और ज्योति हेलो, कितना ठंड लग रहा है? बहुत। और मम्मी बहुत कितना? अभी 3 डिग्री है ना, अभी 4 है, हो गया है। हाँ, okay. तो ये वो माउंटेन से जहाँ हम अभी जा रहे हैं, तो ये कुछ दूर से कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है, दीज आर स्नो फिल्ड माउंटेन्स एंड दिस इज गुलमर्ग। तो अभी और 38 किलोमीटर्स लेफ्ट, तो गुलमर्ग जाने से 12 किलोमीटर पहले आता है तनमर्ग। तो तनमर्ग पहुंचते ही आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग आसपास आपको घेर लेते हैं एंड सिचुएशन इज लाइक आपको ये करना है वो करना है, आपको यहीं से गाइड लेके चलना है वरना आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, या फिर आपको ड्राइवर लेना है या फिर आपको टैक्सी चेंज करनी है, कुछ 4x4 में चले जाओ, मतलब दे ट्राई टू सेल यू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो भी उनके रडार में है। तो इट्स जस्ट दैट आप स्टिक टू योर प्लान एंड आप आराम से गुलमर्ग जाओ, रोड्स आर फाइन। इनकेस आप पीक विंटर्स में नहीं जा रहे हो, अगर आप पीक विंटर्स में जा रहे हो तो आप स्नो चेन ले सकते हो, हम लेके जा रहे हैं, या फिर आप 4x4 में जा रहे हो तो दैट्स ग्रेट। तो एज सेड यहाँ से गुलमर्ग समवेयर अराउंड 12 किलोमीटर्स, तो ये रास्ता भर आपको ऐसे ही स्नो मिलेगा एंड बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेगा, तो आप व्यू एंजॉय कीजिए और स्टे ट्यून्ड। रास्ता भर ब्लैक आइस है, बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है, तो शायद सब अभी स्नो चेन लगा रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमको भी अभी लगाना पड़ेगा। तो यार यहाँ पे स्कैमर्स भरे पड़े हैं और आपको ये बीच में ही रोकने की कोशिश करेंगे, और दे विल मोस्टली ट्राई कि आप गंडोला राइड के पार्किंग तक ना जा पाओ। तो बेसिकली दिस इज़ अ बेस पार्किंग, मतलब आप गुलमर्ग एंटर करते ये सब बहुत सारे पार्किंग लॉट्स हैं, तो मोस्टली ये यही बोल के बेवकूफ़ बनाते हैं कि ऊपर जगह नहीं है, आपको रोड में पार्किंग करना पड़ेगा, पुलिस उठा के ले जाएगा, सब कुछ झूठ है। तो अगर आप श्रीनगर से टैक्सी करके आ रहे हो तभी भी यही हाल है, तो मोस्टली लोग यही ट्राई करते हैं कि आप स्लेज बुक कर लो, और स्लेज का
बहुत गंदा चार्जेस करते हैं, मे बी 2,000-3,000 पर पर्सन, और ऐसे स्कैम करते हैं। इन लोग जैसे चार्ज करते हैं 2,000-3,000 पर पर्सन, आप नेगोशिएट कर करके कितना ही कर लोगे, लाइक आप 50% कर लोगे, बट इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। यार यहाँ लॉट्स ऑफ ब्लैक आइस, मेरा खुद यहाँ पैर फिसल रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ चिकना है, तो गाड़ी को यार पूरा हैंड ब्रेक में लाना पड़ा है। एंड वी आर इन गुलमर्ग, इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल, बट यार यहाँ कभी भी आओ तो थोड़ा सा आराम प्यारा है। तो यार आप, इतना स्नो हो गया है तो हम लोग अभी स्नो चेन लगा रहे हैं, बिकॉज गाड़ी और मूवी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है, तो यार अब तो जिस चीज़ के लिए लाए हैं वो तो यूज़ करना ही पड़ेगा। फंसता है ना यहाँ इस कोड़े पे। चलिए देखते हैं अब लाए हैं तो क्या। ये तो अभी चलेगा, अभी वो यहाँ लग गया है, एंड अपना वो वाले टायर्स में भी लग गया है। एक्चुअली यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ है एंड स्किड भी कर रहा था, तो दैट्स द रीज़न वी हैव अप्लाइड द स्नो चेन्स। तो अभी हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स गंडोला, गंडोला यही है अपना, यही है ना, और 2-2.5 किलोमीटर होगा शायद, सो वील रीच गंडोला बाई 2-2.5 किलोमीटर्स। तो सून आफ्टर दे गॉट टू नो कि हमने स्नो चेन्स लगा लिया है, तो दे टोटली ब्लॉक द रोड एंड हम लोग को ज़बरदस्ती स्लेज में जाना पड़ेगा। तो ये तो यार यहाँ का सबसे बड़ा स्कैम है, तो आप बच के रहो। एंड यहाँ से हम लोग अभी स्लेज में चलेंगे। तो दे इनिशियली स्टार्टेड विथ 2,000 पर पर्सन, एज वी वे 4, मतलब मैं, ज्योति, मम्मी और पापा, हम लोग चारों थे, तो दे आस्ट फॉर इनिशियली 8,000 इन टोटल बस गंडोला जाने तक का। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था अबाउट द प्राइस एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि ये 200 या फिर 250 मैक्स पर पर्सन होता है, उससे ज़्यादा का वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट दैट फार। तो यार वही, आप 200 कर लो, मोर देन इनफ है, और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो यार गंडोला राइड में जाने से पहले और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ कोई भी टिकट काउंटर्स नहीं है वेर इन यू कैन कम एंड टेक द टिकट्स। तो यहाँ पे टिकट्स ब्लैक में सेल होता है, तो इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड एंड एडवाइस कि आप लोग पहले से ऑनलाइन टिकट्स करके आ जाओ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई यहाँ पूरा बर्फ हो गया है एंड कुछ ऐसा नज़ारा है, बोथ साइड बर्फ एंड नीचे भी शीशा बन गया है, और अपन को बहुत संभल संभल के चलना पड़ रहा है। कैसा लग रहा? अच्छा। केयरफुल हाँ या। हम, मैं एक बार गिरा हूँ, ज्योति एक बार, मम्मी अभी देखने गिरी है। मम्मी मम्मी कैसे लग रहा है? यार इतना ऊंचा ऊंचा बर्फ है यहाँ, और कुछ ऐसे रूट्स में अपन चलते चलते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्किड कर रहा है, तो यार वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
तो फाइनली वी हैव रीच्ड गंडोला स्टेशन। यहाँ बहुत केयरफुल हाँ, स्लिप हो रहा है। हाँ हाँ आई वेट, हाँ आराम से डैड, बहुत बर्फ है ना, आ रहा हूँ एक सेकंड। पिछली बार जैसे गिरने का खतरा भी तो है, इस तक ऐसे स्नो भरा हुआ है मतलब ज्योति का हाइट का स्नो है यहाँ। हाँ तुम्हारे से भी ऊपर है, यहाँ देख सकते हो सब तरफ स्नो है। नाउ वी आर गोइंग, हम ऊपर चल रहे हैं, रूम के अंदर तक आ गया है स्नो। We have finally reached the phase one of from the gondola. तो हम लोग gondola ride लेके आए हैं। आप व्यू देख सकते हो यार, चारों तरफ स्नो है, स्नो फील्ड माउंटेन्स, मतलब कुछ एक भी जगह नहीं है जहाँ की आपको स्नो नहीं मिलेगा, सब तरफ स्नो है। सो वी आर हियर, ये ज्योति मम्मी पापा सब मस्ती कर रहे हैं, सब अपना फोटो वोटो खींचने और किक एक्टिविटीज़ करने में लगे पड़े हैं। पापा और ज्योति तो खेलना स्टार्ट कर लिए हैं। यार यहाँ आओ तो स्कीइंग है, स्पोर्ट बाइकिंग और बहुत कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हो। एंड वहाँ देखिए स्नो कैप माउंटेन्स। अगर यहाँ इन केस आपको वापस जाना है तो ये रहा गंडोला एंड यहीं से आपको वापस जाना है। तो यार यहाँ आए तो अभी हम लोग करने वाले हैं स्नो बाइकिंग। तो यार स्नो बाइकिंग का प्राइस दो टाइप से, एक है शॉर्ट राइड और एक है लॉन्ग राइड।
तो शॉर्ट राइड का प्राइस है इट्स 1000 rupees एंड लॉन्ग राइड का है 2000, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड कम यहाँ। लेकर आते हैं यहाँ, लाने के बाद आपको फोटो सेशन अगर करना है तो वो फ्लैट सरफेस पे आपको खुद भी ड्राइव करने के लिए देते हैं। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर, हम वहां से आए हैं, आप तो दिख रहे होंगे सब लोग। रोड बाइकिंग कैसा था? बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, मजा आ गया। यू मस्ट ट्राई दिस, इट्स अमेजिंग। तो अभी हम वहाँ वापस चल रहे हैं टुवर्ड्स गंडोला, एंड कल चल रहे हैं सोनमर्ग। तो यार गुलमर्ग को बाय बाय करने का टाइम हो गया है, चलो लेट्स गो बैक। तो यार गंडोला का राइड वॉज सुपर फन, एंड उसके बाद अभी रोड बाइकिंग भी बहुत मज़ा आया। एक्चुअली मैं तो 360 नहीं लिया था, मैं मम्मी पापा बस एक ही 360 ऑफ कोर्स, तो ज्योति ने लिया था, तो शी गेव अस द व्यू, द व्यू वाज जस्ट अमेजिंग यार। पॉड बैकिंग मस्त लगा, और मोरोवर अभी चलो लेट्स हेड टुवर्ड्स गंडोला। यहाँ पे सब स्कीइंग प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, अभी यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड स्नो है, गिर विर के अलग लेवल का लगने वाला है, इसलिए मैं तो एक दो बार ट्राई किया, जैसे ही गिरा लेफ्ट नहीं हो रहा था यार बैलेंस, दैट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, बट सही है, ट्राई तो करना बनता है। अगर आप सब में बैलेंस है तो यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई। मैंने ट्राई किया 2-3 बार, गिरा तो यार फिर नहीं हो पाया मेरे से। Mommy! तो यार आपको रिटर्न जर्नी यहाँ से जाना है, और एज सुन एज पॉसिबल चल लो वो बेटर है, लास्ट फ्लाइट 4 से पहले कर लो तो आपको मिल भी जाएगा, और ज़्यादा लेट करोगे तो नहीं मिलेगा। तो राइट, तो यार रिटर्न राइड की जर्नी यहाँ से होती है, देख सकते हो आने जाने का रास्ता पूरा स्नो से ढका, शर्ट अभी गिरता मैं। पूरा स्नो वहां से है, वो अंदर से यहाँ आ गया स्नो, हाँ बस अभी क्लियर करना पड़ता है। ये देखो सबसे इजी वहाँ वो ऊपर से आती है, बीच बीच में ना ये सब देखिए डैड, ये सब देखिए, ये ऊपर से आ गया है स्नो। राहुल हाय, सब लाइन में खड़े हैं, वी हैव टू हेड बैक टू गुलमर्ग। अभी हम लोग फेज वन में, दिस इज द प्लेस जहाँ की गंडोला से नीचे उतरते हैं, और यहाँ से वापस जाते हैं। तो यार यहाँ स्कीइंग यहाँ भी होता है, यहाँ तो यार सब तरफ स्नो है गुलमर्ग में, तो आप कहीं से भी करो वहाँ से भी करो,
या फिर ऊपर जाके फेज वन में भी करो, एवरीवेयर स्कीइंग इज अवेलेबल। देखो यार लेस पैकेट हम जो नीचे से लाए थे, ये शायद हम लोग गली से लाए थे ना, क्या हाल हो गया है, एकदम भूल गया, थोड़ी देर में फट जाएगा, फट जाएगा। स्पीति में फटा था नहीं हमारा। चलो सुबह वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक आइज है, सभी की कार स्केड हो रही थी। हम लोगों ने भी जाने की कोशिश की बट हुआ नहीं, तो अभी हमने अपनी गाड़ी रिवर्स करके यहाँ पार्क की है और अभी अभिषेक एंड पापा जी स्नो चेन लगा रहे हैं। चलो और चलो और बस रुको, मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए तो मम्मी जी मेरे हाथ सिर्फ गरम कर रही हैं रगड़ के। अभी हम चल रहे हैं यहाँ से राइट में लगाना, राइट में ज्यादा आराम से, हमारा गाड़ी देखिए आराम से, जय माता जय माता आराम से चढ़िए, देख आराम से कुछ